मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन। और आज है हमारा यहाँ पे लास्ट डे। सुबह सुबह सूरज उग चुका है पीछे की तरफ और माहौल बहुत अच्छा है। बेल बज रहे हैं, घंटियाँ, आरती, सब कुछ हो रहा है। धीमी धीमी ठंडियाँ चल रही हैं, मतलब ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कॉन टेम्पल और उसके बाद जाएंगे निधि वन और उसके आसपास के बाकी जगह भी हम लोग को जाना है, तो वो कंप्लीट करेंगे 12 बजे तक। उसके बाद हम लोग को दूसरी जगह जाना है, तो वो भी चेकआउट करना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ हम लोग कवर करने वाले हैं स्कॉन टेम्पल, देन निधि वन और भी काफ़ी सारी जगह है, तो वो सब। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ भी अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो मैं वही बोलूँगी हमेशा की तरह, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना विद ऑल बटन। एंड चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। स्कॉन टेम्पल पहुंच चुके हैं, तो अब हम आ चुके हैं स्कॉन टेम्पल की तरफ, जिसका नाम है श्री कृष्ण बलराम टेम्पल, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्कॉन टेम्पल के अंदर। अंदर जाती हूँ, दर्शन करके आती हूँ, अगर होगा तो दर्शन दिखाऊंगी, अदरवाइज आप बस बाहर का लुक देख लीजिए। कुछ इस तरह से भव्य तरीके से इसका इंटीरियर किया हुआ है, वाइट मार्बल पे पूरा बेस्ड है, बहुत शानदार लगता है। बहुत ही अच्छा है और मम्मी हमेशा की तरह हम स्कॉन में बहुत ही अच्छा फील करते हैं कि नहीं। दर्शन कर लिया और हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। बहुत ही बड़ा सा टेम्पल है, हम लोग अभी प्रसाद खोज रहे हैं कि हमें प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो मम्मी इज सर्चिंग फॉर इट। सो दिस इज द प्लेस वेयर एवरीवन इज ईटिंग, हैविंग भोग, और अभी मैं भी जा रही हूँ, प्लेट ले लिया है। और यहाँ प्रसाद है, खिचड़ा है और क्या है, ओनली खिचड़ा। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, दे देना थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, बस बस बस। सो हियर वी गेट खिचड़ी, और कुछ है, सब खिचड़ा ही है ना, बस। मम्मी हम लोग पहली बार ऐसे प्रसाद खा रहे हैं ना, अब पहले कभी खाए हो ऐसे टेम्पल में बैठ के? इस तरह से मतलब खाई भी हो? ओके, तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम जब मैं ये खा रही हूँ। आई विल शो कि इसमें क्या क्या है। सो दे गेव अस खिचड़ा, आलू की सब्जी एंड सम सैलड, विच आई एम गोइंग टू शो यू। बट इस तरह से पहली बार मैं खा रही हूँ, मतलब एक बार मैं गुरुद्वारे में खाई थी और ये मेरा दूसरे बार यहाँ पे है। तो चलिए पहले ये खाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे खिचड़ा है, देर इज सैलड, आलू की सब्जी, एंड एवरीवन इज सिटिंग लाइक दिस एंड ईटिंग। और वहाँ पे खाना मिल रहा है, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है।
यहाँ पे मम्मी बर्तन धो रही है जिसमें खाया था, तो यहाँ पे ये काम अच्छा है कि खुद खाओ और धो, तो यहाँ पे सभी वही कर रहे हैं। तो ये एरिया जो है वॉशिंग के लिए है, एंड ये पूरा एरिया जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। एंड वहाँ पे जो आप देखोगे ना एंडिंग में, वहाँ तीन काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको खाना मिल रहा है। चलिए यहाँ पे हो गया, अब हम लोग भी चलते हैं। ओवरऑल हमारा खाना पीना हो गया है, बहुत तृप्ति मिली, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐसा कुछ खाया है। चलिए मम्मी, आपको कैसा लगा? मज़ा आ गया मम्मी को। हाँ, आगे जाएंगे तो वहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर के ठीक बगल में शॉप्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको शॉप्स में मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस है, टी शर्ट जिसमें हरे कृष्णा ये सब लिखा हुआ है, कृष्ण जी का फ्री फोटो बना हुआ है, ये देखो, इस सब टाइप के आपको शर्ट्स मिल जाएंगे। ठंडी है तो ठंडी के हुडीज वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अलग अलग हुडीज हैं, अलग अलग स्टाइल के टॉप्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, ये देखो इस तरह के स्कर्ट्स आपको मिलेंगे। ये बच्चों के लिए है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ फॉर किड्स। उसके अलावा यहाँ पे स्कर्ट्स भी हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये लहरिया स्टाइल के कुछ स्कर्ट्स हैं यहाँ पे, प्लाजोज, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये मंदिर का मेन एंट्री यहाँ से है अभी फिलहाल, एंड अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जाएंगे निधि बन की तरफ, तो चलिए चलते हैं और वहाँ पे क्या है वो दिखाते हैं। वैसे यहाँ का जो स्कॉन का दर्शन था बहुत ही अमेजिंग रहा, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा। शाह जी का मंदिर दिख जाएगा जो मेरे ठीक पीछे है, धूप बहुत तेज आ रही है, एंड यहाँ पे बहुत सारे बंदर ही बंदर है, इसे मैं फोन थोड़ा सा पास लेके रखी हूँ ताकि टाइट पकड़ के रख सकूँ। बट यस, मम्मी और मैं अंदर जाके दर्शन करके आते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं निधि वन की तरफ, और ऑन द वे यहाँ पे अगेन बहुत सारे मार्केट्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ अगर आपको खरीदनी हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आगे मुझे मंदिर जैसा कुछ तो दिख रहा है, कौन है? तो यस, तो हम आ चुके हैं निधि बन, अब हम अंदर चलते हैं। तो यह निधि बन जिसमें इस तरह से कवर करके रखा गया है, और यहाँ पे सारे पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। ये यहाँ से आप पूरा वन देख सकते हैं,
तो ये पूरा एरिया है अभी कवर करके रखा है ताकि आप आराम से घूम सको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। यहाँ पे आप देख लो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है रोड वे में, ऊपर से पूरा पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे मतलब शाम होते ही सारे पंछी हो, बंदर हो, सब हो, वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ किसी का भी आना वर्जित हो जाता है। 7 बजे के बाद में बंदर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। 8 बजे रात को बंदर बंदों का पंडित तैयारी चले जाते हैं। 9 बजे के अंदर कितने बार आते हैं, पूरे बंदर रास करते हैं, पेड़ में गोपियां बन जाती है। बोलो राधा रानी की संध्या मिलकर एक बार हंसो, जो जहाँ हंसा उसका घर बस है, राधे राधे बोल दिया। फिर राजा बीच में आ जाओ, चटवाले के बीच में बोलो राधा रानी की, मोबाइल को बीच में रखना। चलो जो कार्तिक की पूर्णमासी जो आती है ना, उस दिन भगवान ने रास प्रारंभ किया। कार्तिक की पूर्णमासी तो रात्रि में रास प्रारंभ किया है, दिन में नहीं किया है। हमारा वृंदावन था जिसमें बन के अंदर में भगवान ने रास किया है, तो यहाँ आज भी भगवान को रास करते हैं। कोई भी रात्रि को वन में नहीं रहेगा, कोई भी वन में नहीं रहेगा, रहेगा या तो सुबह में मरा हुआ मिलेगा, वन नहीं या वो पागल हो जाएगा। जी हाँ यही तो वन है। चींटी तक एक भी पंछी का घोंसला नहीं मिलेगा पूरे वन के अंदर में, एक भी बंदर नहीं रहेगा रात्रि में, सब बंदर भी बाहर निकल जाते हैं। अब बात आती है कि चंद्र भगवान ने सूर्य भगवान को क्यों नहीं आने दिया। चंद्र भगवान के अंदर में शीतल और सूर्य के अंदर में है गर्मी। चंद्र भगवान इस बात को जान रहे हैं कि मेरे पास जो वस्तु है वो मैं गोविंद को दूंगा, यदि तो सूर्य भगवान आ गए तो राज करने में तकलीफ होगी। पहला भाव। दूसरा भाव, 2 महीने राम जन्मोत्सव मनाया, 2 महीने दिन नहीं, वो रात्रि में हो या 2 महीने का, तो सूर्य भगवान ने चंद्र भगवान को नहीं आने दिया त्रेता युग में। पूरा चिंता मत करे प्यारे, द्वापर में जब मेरे ठाकुर राज करेगा वृंदावन में तो मैं तू नया। तो ये वन बचाया हुआ है भगवान के रास के निमित्त, ये मत जानो कि रास ही करते हैं। आप भाव से कुछ भी ठाकुर जी को पुकारोगे वो सारे कार्य मेरे गोविंद करते हैं। आज भी रास भी हो रहा है, गौचारण भी हो रहा है, भगवान माखन भी खा रहे हैं, माखन चोरी करके भी खा रहे हैं और माखन लूट के भी खा रहे हैं, माखन लूट के भी खा रहे हैं। अब आपके सबकों का उत्तर दूंगा मैं, अब आपके सबकों का उत्तर दूंगा। आपने अभी हम बांके बिहारी मंदिर से जब निकल के आ रहे थे तो जी ने कहा था कि यहाँ मंदिर में ले जाते, सही कहा था, लूट नहीं कहा था, जब आपको माटी में मिठास होगी लूटेगा ही। आप किस लिए आए वृंदावन के अंदर, लूटने के लिए आए, लुटवाने के लिए। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि गोविंद इतना बरसाओ आपके ऊपर में धन की कृपा करो, जब जब वृंदावन में आए लुट के ही जाए, मेरा गोविंद मुझको प्रॉफिट में देगा तभी तो बेटा लुटेंगे, होगा ही नहीं प्रॉफिट में तो लुटेंगे। तो अभी आपने जितना भी स्टोरी सुना आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद यहाँ पे ना अभी रिसेंट में ये इस तरह का केव बना है ताकि आप बंदरों से बचे रहें, यहाँ पे बंदर बड़े शरारती करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। बाघ की बारी आप लोग देख के आए, देखा बंदर, और वृंदावन में हरी आपको ले चले दर्शन कराने के हमारे पूरे वर्ष में 2 मूर्ति है जो स्वयं भूमि से प्रकट, दोनों मंदिर में कभी मंगला आरती भी होती है, यही तो मूर्ति प्रकट है, इन्हीं मंगला आरती होती है, बाकी 5:30 मंदिर मंगला आरती होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि आप वो रात भर जगते हैं, जब रात भर जगते जो आपको जागने लगेगा तो उसको लेट ही उठाएगा। तो यहाँ हमारे बाघ बिहारी का मंदिर 8 बजे खुलता है, बाकी सभी मंदिर 5 बजे 4 बजे सब खुलता है उनका, और वृंदावन बिहारी का मंदिर 9 बजे खुलता है। और दोनों ही जगह भुरकता, कहीं भोग नहीं लगता किसी चीज़ के, बाघ की बिहारी लगाती है पेड़े का पड़ता है। यहाँ कंधिया ने क्या लूटा है, माखन नाम पढ़ो है, माखन चोर वृंदावन बिहारी मंदिर रखता है आदमी माखन और मिश्री का, और वहाँ बाहर का कोई सामान का भोग नहीं लगता, बोलो बिहारी यहाँ देखो सीधा पैर रखना और आगे वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हाँ नीचे नीचे ही है, पर इसकी वजह से ठीक से एक व्यू भी नहीं है। यहाँ से ये केव हो गया ना, ये ले लो। इधर उसे पूछते नहीं, पेड़ इतना ऊंचा ऊंचा नहीं होगा, क्या कारण है? कोई कटिंग नहीं होता, कोई काटेगा जरूर। ये गोपियां है, इनको कौन काटेगा? गोपियां है, ये पेड़ नहीं है। ये बोलो राजा रानी की जय। देखो जी है राजा रानी को रंग महल, एक नाम है इसको श्रृंगार घर। यहाँ भगवान आज भी आवे राधा रानी को श्रृंगार करने के लिए। शाम को पुजारी लोग जावे मंदिर बन जाएंगे। इससे पहले चांदी की थाली में चार लड्डू, दो दातोन, दो पान की बीरा, रोटी अपना जी को जल, राधा रानी का सूरा श्रृंगार, 5 किलो फूलों की सैया सजा के जावे। इसमें 2 गेट लगे हैं, दोनों गेट में 7 कार्य आके जावे। सुबह हुए मंगल आरती 5 बजे, कहते हैं कि जो करेगा मंगल आरती कभी नहीं हुआ कंगला। यहाँ जो भी भक्त आकर देखे देखने के लिए क्या मिलेगा? लड्डू खावा मिलेगा, दातोन चव मिलेगा, पानी का बीरा चव मिलेगा, लोटे का पानी पिया मिलेगा, राधा रानी का सोलह श्रृंगार बिखरा मिलेगा, दोनों के सीएस से ऐसे लगेगा यहाँ से कोई अभियान उठ गया हो, लेकिन ताले लगे हुए मिलेंगे। इसलिए आप पिछड़ा भगवान आज भी आवे राधा रानी को श्रृंगार करने के लिए। बोलो राधा रानी की जय। मन का बेटा क्यों मोटा रहता? हम लोग पूजा लाते हैं, सब चीज खाते, सब फल लाते हैं, अच्छे खारक बादाम ड्राई फ्रूट लाते चढ़ाते। नहीं नहीं बेटे कैसे छूना नहीं, भगवान का है, अपन ले जाके अपने बेटे को खिलाता है। एकदम एकदम ये लोग ऐसे ही करते हैं, वेरी बैड। अब मैंने वो तीर्थ में वो मजा नहीं है, पहले हम आए थे ना, ये तो छोड़िए रिक्शा वाले भी लूटने को तैयार है। घूमते थे, ये पूरा खुला था, कुछ नहीं खुला हुआ था। आज वाले तो जानते ही नहीं है, नहीं हम तो मैंने बहुत पहले भी आए थे, तो कुछ भी नहीं था, सब पार्ट एकदम पूरा इतने रास करते। ये एरिया है रास तो सब जगह ही करते हैं। ये जगह है जहाँ रास होता है, और ये पूरा जंगल वाला इलाका है जहाँ पे ये है, श्रद्धा से काम करवाइए। ये सारी गोपियाँ हैं एंड ये देख सकते हैं आप, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब छोटे छोटे बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से पूरा यहाँ पे हमने निधि वन का दर्शन कर लिया। ये देख लो यहाँ पे फाउंटेन भी है एंड मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो खुला है, तो अब हम लोग नदीपन से आगे आ चुके हैं और मम्मी और मैं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यमुना जी का नदी देखने, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आ चुके घाट में, यहाँ पे भी बाल गोपाल के काफी सारे ऊनी कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, और भी मार्केट है यहाँ पे, चाय नाश्ते की भी सुविधा है मेरे ख्याल से यहाँ पे, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। यहाँ बैठ के भी खा सकते हो, वहाँ पे बोटिंग का भी इंजॉयमेंट कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के मस्त आराम करो, खाओ पियो, गोला चुस्की खाओ और इंजॉय करो। यहाँ पे गोला वगैरह है।
यमुना नदी का भी दर्शन कर लिया, देख लिया, बोटिंग कर सकते हो, उनके अलग अलग प्राइजेस और चार्जेस हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ चाय पानी करने, क्योंकि अब मुझे चाय की ज़रूरत है, तो चाय पीते हैं और फिर आगे निकलने का टाइम होने वाला है, तो अब हम लोग निकलेंगे भी, तैयारी करते हैं निकलने की, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आपको थाली 40 रुपए की मिल रही है, जिसमें पूड़ी भाजी है। तो यहाँ पे आप देखो, चार पूड़ी आपको मिल रही है, मिक्स वेज, आलू की सब्जी और अचार यहाँ पे मिल रहा है। देख लो, इस तरह की पूड़ी दिख रही है, ये मिक्स वेज एंड ये आलू की सब्जी एंड अचार, और ये खाने वाली है, और मैं खाने वाली हूँ। खाना जो है वो 60 रुपीस में पूरा प्लेट मिल जाएगा, और जो मैं खाई थी वो था आपका थाली, जिसमें पराठा, पूड़िया थी, आलू की सब्जी थी, मिक्स वेज था विद अचार। तो अगर आप 60 रुपीस का थाली लेंगे तो आपको संपूर्ण खाना मिल जाएगा, सो दैट वाज वेरी अमेजिंग। तो चलिए अभी चलते हैं और तैयार होते हैं, अब हम लोग को निकलना भी है, तो चलते हैं। और देखते हैं वहाँ पे क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कैमरा अलाउड होगा तो कैमरा का विजन आपको मिल जाएगा, एल्स बस आप रास्ता एंजॉय कीजिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं सेवा कुंज में क्या है। ये देख लो, यहाँ पे फाउंटेन भी है, एंड मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो खुला है, तो ये ऐसे है, आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मंदिर का दर्शन हो गया है और हम ऐसे घूम रहे हैं, एक तरह से ये परिक्रमा ही हो रही है। और यहाँ पे बंदर बड़े शरारती हैं, ऊपर ऊपर से कूद रहे हैं, एंड यहाँ से हम जस्ट निकलेंगे अपने रूम के लिए। तो जस्ट ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आज का दिन कैसा गया। तो हम लोग गए थे आज, कहाँ कहाँ गए थे मम्मी? स्कॉन टेम्पल, फिर हम लोग गए थे निधिवन, फिर यमुना तट, फिर हमने कुछ खाया, और अभी हम यहाँ घूम के आगे निकलेंगे सेवा कुंज कंप्लीट करके। सो वी आर डन विद सेवा कुंज, हमने सेवा कुंज भी कर लिया, तो हमारा दर्शन हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने आश्रम की तरफ, वहाँ फ्रेश फ्रेश होंगे एंड फिर निकल जाएंगे दूसरी ट्रिप के लिए। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग और एक नए ट्रैवल ट्रिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।